और नाजरीन, तीसरे ओवर का मैच शुरू होते हुए लाल खान बॉलिंग पे दोबारा आ चुके हैं और हाफा साहब उनके सामने हैं। ये हाफा साहब बैटिंग पर, हाफा साहब इस बार बहुत भरपूर फॉर्म में है। ये इनको बहुत प्यारा शॉट मारेंगे आप, नो बॉल, और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, बॉलर की तरफ से ओवर स्टेपिंग, फ्री विकेट आ गई है और बॉलर रनर पे आते हुए, और ये आफस साहब को बीट करा दिया बॉल उन्होंने, और ये लाल खान का बहुत अच्छा, बहुत उम्दा ओवर, लगातार दो बॉल डॉट करते हुए और लगातार तीसरा बॉल डॉट करते हुए आफत साहब, और बॉलर की तरफ से बेहतरीन शानदार बॉलिंग, और ये आफत साहब की तरफ से एक, और ये आफत साहब का लेफ्ट शॉट और ये आउट। और नाजरीन हमारे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच गुलफाम से अलखोटी वापस बैटिंग पे आ रहे हैं, जितनी जल्दी में आने लगते थे जल्दी में वापस, और ये गुलफाम से अलखोटी जिस फॉर्म में है आज, हमें नहीं लगता कि आज आउट होंगे इस मैच में भी। नॉन स्ट्राइकर गुलफाम से अलखोटी इज इन गुड फॉर्म, एंड सनबाई को बहुत अच्छा शॉट, ये सनबाई का बहुत प्यारा शॉट सनबाई का, और ये अंपायर का छक्के का इशारा। लाल रहमान अपनी लाइन भूलते हुए, ग्रेट शॉट फ्रॉम हसन भाई रावलपिंडी, ये लाल रहमान को बहुत अच्छा, ये लाल रहमान का वेरी गुड कम बैक फ्रॉम लाल खान, और बॉलर और अंपायर के बीच में वन टू गो है, और लास्ट बॉल हसन भाई खेलते हुए, और हमें नजरी देखते हैं हसन भाई इस बॉल पे क्या करते हैं, और नजरी हसन भाई का लाल खान बहुत अच्छा ओवर करते हुए, और तीन ओवर के इख्तिताम पर 29 रन्स, और गुलफाम से अलखोटी बैटिंग पे आ चुके हैं, और उनके सामने पाकिस्तान के मशहूर बॉलर जुनेद खान आ चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम जुनेद खान लेफ्ट आर्म बॉलर, एंड पाकिस्तान की शान गुलफाम, और ये पाकिस्तान की शान गुलफाम बैटिंग पे आ चुके हैं, और गुलफाम को बहुत अच्छा बॉल किया जुनेद खान ने, और गुलफाम ने बहुत अच्छा उसको प्लेट किया, फील्डर की बेहतरीन थ्रो, और ये हसन भाई बैटिंग पर आ चुके हैं, जुनेद खान की बहुत उम्दा बॉलिंग, पिछले मैच के शानदार बॉलर और शानदार बैट्समैन दोनों क्रीज पर हैं, और ये हसन भाई का बेहतरीन स्ट्रेट स्ट्रोक, और नाजरीन पिछले मैच के दोनों बेहतरीन बॉलर और बैट्समैन क्रीज पर एक दूसरे के आमने सामने, दोनों का तकरार, और ये बहुत अच्छा बॉल जुनेद खान की तरफ से, और ये गुलफाम बीट हो गए, और इन फॉर्म बैट्समैन गुलफाम और इन फॉर्म बॉलर जुनेद, दोनों ही माशाल्लाह शानदार बैट्समैन और बॉलर हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया, और ये स्ट्रेट शॉट बाय गुलफाम, और ये चौका, और ये फील्डर की बहुत खराब फील्डिंग जिसके कारण गुलफाम को चार रन मिला, देख रहा था शायद पकड़ ले। और नाजीन हाफा साहब निराश बैठे हुए हैं,
और गुल फार्म की तरफ बॉल आते हुए गुल फार्म को बहुत अच्छा बॉल जुनेद खान की तरफ से और ये दूसरे रन के लिए गुल फार्म भागते हुए लेकिन फील्डर की बेहतरीन थ्रो के कारण वो दूसरा रन नहीं ले चुके जुनेद खान के बहुत अच्छा ओवर जुनेद खान बहुत अच्छी बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए और ये जुनेद खान का बहुत अच्छा पेस और गाय के बीच में से निकल गई बॉल गाय ने मिस फील्डिंग की अंपायर भी नहीं और कीपर भी नहीं आया ना तो जुनेद खान की बहुत उम्दा बॉलिंग और ये उन्होंने बहुत अच्छा स्लो बॉल किया और ये हसन भाई बीट हो गए और जुनेद खान एक बार कैमरे की तरफ देख लें हाथ हिला दें और चार ओवर्स के अख्तिताम पर 36 रन स्ट्राइकर्स 11 के नौ रन की एवरेज के साथ ये गुलफाम को बहुत अच्छा और ये गुलफाम का बहुत अच्छा शॉट और ये गुलफाम का स्ट्रेट बहुत अच्छा शॉट जुनेद खान के ऊपर से बॉल निकल गया जुनेद खान के छोटे कद का फायदा उठाया गुलफाम ने और स्कोर टैली करते हुए टीम के लेग अंपायर और स्ट्रेट अंपायर दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले सीएम और बॉलर बॉलिंग पे आते हुए गुलफाम सेलकोटी के बहुत अच्छा शॉट और ये वाइड और ये बहुत अच्छा बॉल लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा गुलफाम सेलकोटी की तरफ से बहुत अच्छा बॉल बैटिंग और ये गुलफाम सेलकोटी का उड़ता हुआ शॉट और ये फील्डर बॉल के नीचे और क्या पता ये कैच पकड़ेंगे और ये कैच छोड़ दिया गुलफाम सेलकोटी का उन्होंने और फील्डर की तरफ से मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग और ये गुलफाम सेलकोटी को चांस मिलते हुए फील्डर की तरफ से बहुत खराब फील्डिंग और ये नजरीन बहुत अच्छा बॉल और ये गुलफाम सेलकोटी बीट हो गए सेम बॉल सेम शॉट सेम बॉलर सेम बैट्समैन लंबा बॉल कर रहा नाज़रीन ये बहुत अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी बॉलिंग के साथ गुलफाम को और पत्थर के साथ बहुत मिलने के कारण दो रन के लिए फुटबॉल खेलते हैं बहुत उम्दा थ्रो और ये आउट होते होते रह गए हसन भाई आज बहुत गुस्से में है क्योंकि उनको सही टेप वाला बॉल नहीं मिल रहा मोबाइल लेकर मेरा और ये बहुत अच्छा बॉल जैन भाई मेरा मोबाइल दे रहे और नाजरीन ये हसन भाई को बहुत अच्छा बॉल किया और ये वाइड हो गया अंपायर का वाइड बॉल का इशारा हवा में मुड़ जितनी देर में बॉलर ये बॉलर रहने पे और हसन भाई का और जितनी देर में बॉलर रनर पे वापस आएंगे आप थोड़ा सा गाना सुन लेंगे और ये बॉलर रन पे वापस और गाना रोक दिया गया और ये हसन भाई का बहुत बेहतरीन शॉट और ये ग्रेट सिक्स ह्यूज सिक्स और ये हसन भाई के लिए गाना और बॉलर ने दे छक्के छुड़ावे हाय नी तेरा छक्का 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 हाय नी हसन भाई का छक्का 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 सैलकोट तो ले आया गुलफाम सैलकोटी स्पिनर आ गए इसका तीसरा ओवर और लिमिट कोई नहीं ओवर की
नहीं बैठा दो दो भाई आप ज्यादा मसूर है छोरों की यार टॉस में जमीन से मान दो तीन निमट दिया भाई दो निमट दे दो तीन और ये रेड रहमान वापस आते हुए हैं लाल रहमान और ये विकेट के पास से और ये जुनेद खान वापस अपनी बॉलिंग पे आते हुए और सामने गुलफाम सेलकोटी जुनेद मुर्गा जो पाकिस्तानी अंडर 19 टीम के बहुत अच्छे उम्दा बॉलर रहे हैं और गुलफाम सेलकोटी की न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग और ये जुनेद खान राइट आर्म बॉलर ग्रेट पेस विद अ ग्रेट पेस और ये ग्रेट बॉल ग्रेट बॉल बाय ग्रेट बॉल टू गुलफाम सेलकोटी और बिल्कुल मुंह के पास इन्होंने इनको बीट किया और ये गुलफाम सेलकोटी मुश्किलात का सामना करते हुए जुनेद खान की तरफ से बहुत उम्दा बॉलिंग और ये बहुत तेज बॉल नो बॉल लेकिन अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा ये पांचवें ओवर का खेल चल रहा है जारी है तेज हवा के जा रहे खान का बहुत उम्दा पेस और ये गुलफाम को बॉल मार दी और जुनेद गुलफाम को इंजर्ड होते हैं जुनेद गुलफाम प्रेशराइज करते हुए किल्ली छोड़ के मार बहुत अच्छा बॉल और ये बहुत अच्छा शॉट तेज रन से शाबाश चार हो गए और ये चार रन और हसन भाई की तरफ से गुलफाम को गालियां और नाज़रीन गुलफाम की तरफ से बेहतरीन शॉट इसका नतीजा चार रन का निकला है जुनेद खान के पेस की वजह से गुलफाम को ये बहुत अच्छा बॉल बहुत अच्छा पेस लग चुकी है ना हसन भाई टू जुनेद खान हसन भाई को चाहिए कि एक बहुत अच्छा शॉट मारें और ये आखिरी बॉल पे सिंगल और हसन भाई दोबारा स्ट्राइक पे आखिरी बॉल नहीं हुई लास्ट बॉल है अभी सिम देरी करी है जॉन किया तो देख ले नहीं तो मेरी सिम किस की है किसी की तो नहीं है इनमें से इसमें तो नहीं गिरी और ये जुनेद खान के उम्दा बॉलिंग और ये फील्डर की उम्दा थ्रो मेरी तरफ भैया और नाजरीन ये मैच दोबारा स्टार्ट हुए छह ओवर का मैच स्टार्ट और ये बहुत अच्छा बॉल और अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा तो गुलफाम ये और गुलफाम ओवर कितने हुए हैं छह ओवर 65 स्कोर ओवर बहुत बहुत अच्छा बॉल और अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ के मार लाइन तो गुलफाम को चाहिए कि वो कदमों का इस्तेमाल करें ये हमारे सब कमेंटेटर इस्माइल खान और ये गुलफाम को लेग स्टंप से बीट करवाने की कोशिश जारी और गुलफाम का बहुत अच्छा शॉट और फील्डर की छह रन गए और गुलफाम का काफी देर बाद अपना प्रेशर रिलीज करते हुए एक उम्दा शॉट मुर्गा की ग्राउंड में हवा
تیزی سے ہوا کی رفتار بہت تیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ گل فارم کا بہت اچھا شاٹ فیلڈر کی طرف اور یہ بال نکلنے کی اور یہ بہت اچھی فیلڈ اورنگزیب کی طرف سے بہت عمدہ بالنگ بہت اچھا کم بیک کرتے ہوئے ایک چھکے کے بعد اور حسن بھائی اپنے تھوڑے سے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ بہت عمدہ شاٹ لیگ سائڈ پہ اور یہ فیلڈر کی بہترین تھرو فارم دور کرنا ہے اسکور صحیح ہوگا ٹائم کیا اپنے موبائل دے ہو گیا ہوگا دس ساڑھے دس اور یہ گل فارم کا بہترین سٹیٹ چھکا بابا شاٹ پکی ہوا سے کی ہے اور یہ ہوا کی رفتار کی وجہ سے شاٹ جا رہے ہیں آج لیکن گل فارم اپنی بہترین کلائی کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ آخری بال اور یہ گل فارم کا بہترین اور یہ کیپر کا اور یہ گل فارم سے آؤٹ ہوتے ہوئے اور یہ ہمارے چاچو کاشی ناتھ از ریڈی ٹو بیٹ ہمارے خطرناک بلے باز میاناز میاناز مشہور کھلاڑی کاشف مشہور ساجد کے بھائی چند مشہور خان ہم ان کو پیار سے چاچو کہتے ہیں اور یہ ساری فیلڈنگ بھاگتے ہوئے بگ دوڑ مچی گراؤنڈ میں چاچو کے دہشت کی وجہ سے اور یہ کا چاچو کا اور یہ بہت پیارا شاٹ اور یہ فیلڈر بہت تیزی سے بال پکڑتے ہوئے ان کی عمدہ تھرو سکور پوچھ سکور کیا ہو گیا 7-82 82 رنز ایٹ دی اینڈ اف 7 اوورز آخری اوور کا کھیل شروع ہونے لگا ہے چلو ہم تھوڑا گانا سن لیتے ہیں ان کا نام کیا بالر کا اور یاسر بھائی بالنگ پہ آ گئے مشہور اور یہ چاچو کو پہلا بال ہی انہوں نے فل ٹاس کیا اور چاچو نے شاٹ مارا اور یہ بہت اچھا فیلڈر کی طرف سے کم بیک شہزاد نہیں ہے اور یہ چاچو جمپ پہ مار مار کے ایک دوسرے کو بیٹ دیتے ہوئے اور حسن بھائی عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے اوپنر آئے تھے اور لاسٹ اوور تک کھڑے ہیں ان کی بیٹنگ کا جواب ہی نہیں ہے کہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا اور حسن بھائی کا بہترین سٹیٹ شاٹ 6 رنز کے لیے بہت پیارا شاٹ حسن بھائی کا حسن بھائی اپنی جوانی کے چھکے مارتے ہوئے اور حسن بھائی کا عمدہ شاٹ اور یہ کیمرہ وہاں جا نہیں سکتا کیونکہ کیمرے کی اتنی رینج نہیں ہے جتنا حسن بھائی نے لمبا چھکا مار دیا ہے اور یہ بالر سائڈ چینج کرتے ہوئے حسن بھائی تیسری شاٹ پہ بھی اور حسن بھائی کا بہت بہترین شاٹ یہ کمنٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑو آپ اب کرنے پڑیں گے اس ٹیم میں اور حسن بھائی کا بہترین شاٹ اور فیلڈر نے بہت اچھا شاٹ پکڑا اور یہ ہمارے کاشی ناتھ بیٹنگ پہ آ چکے ہیں اور ان کا نیا ڈیلا ہو گیا چاچو آ گیا چاچو از آن اسٹرائک چاچو کی طرف سے بہترین اور یہ امپائر کی طرف سے وائٹ بنس کا اشارہ وائٹ بال کا اشارہ اور یہ چاچو کا نیکسٹ شاٹ تھے بہت سستا گیارہ فیلڈروں کی گیارہ فیلڈر کے بیچ میں نکالی ہے
11 لوگوں کے بیچ سے بال کر لو. یہ لاسٹ بالر یہ کاشی چاچو کا بہت اچھا عمدہ شاٹ اور یہ گریٹ لیگ پہ سکس. اور پھر کیمرے کی اتنی رینج نہیں ہے کہ ہم آپ چھکا آپ کو دکھا سکیں. کتنا مین ہے؟ 109. یہ ہمارے اسٹرائکرز 109 رنز کر کے آتے ہوئے. حسن بھائی ہاتھ ہلا دیں. اور یہ گلفام سیال کوٹی. اور یہ مورگا 11 فیلڈنگ سے واپس آتے ہوئے.